चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर टू, जिसके अंदर है फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30। क्या दिया है बच्चा, एंगल 30 एक बनाना है और रेडियस 4 है। तो अभी आगे चलते हैं, ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का कैलकुलेशन हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर आपको रेडियस भी दी हुई है, आपको एंगल भी दिया हुआ है और आपको दो सेक्टर ढूंढना है, तो उसका क्या ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर दो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है और उसके बाद आप बोलोगे मेजर सेक्टर भी ढूंढना है। तो दो सेक्टर हुए, एक माइनर और एक मेजर। तो बच्चा सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर ए जो आपको लिखना है, आर जो है वो 4 है, एंगल जो होंगे वो 30 है। तो आप बोलोगे सर सर्कल ड्रॉ करो, यहां से यहां लिया ये ओ, यहां पे लेंगे हम 30, यहां पे आपको लिखना है तो ए पी बी, अभी इसका ही मैं यूज कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो एरिया हमें ढूंढना है, ये जो एरिया है वो हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहां पे लिखो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर एरिया जो है उसके लिए आप एंगल जो है वो 30 360, पाई की जगह बच्चा कोई वैल्यू बोलिए, हाँ बोली हुई है 3.14, तो हम पॉइंट हटा के इसको 100 कर देंगे। आर की जगह आप बोलोगे 4 × 4 हो जाएगा। बच्चा अभी इसमें से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो वो हम लिखेंगे 4.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा समझ में आया, बच्चा समझ में आया, जल्दी नहीं लगा ना, क्योंकि बच्चा ये 6 सम करने के बाद ये सम कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपको पूरा समझ में आएगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी मेजर आर्क मेजर सेक्टर ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो आप बोलोगे सर्कल का जो एरिया होगा माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा 3.14 डिवाइड बाय 100, आर की वैल्यू बच्चे आप बोलोगे × 4 × 4 4.19। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो करेंगे 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा ये कंपैरेटिवली इसमें मुझे खाली आपको आइडिया ही देना था, बाकी ये सब में कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है, समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉपर तरीके से लिखना प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, प्रॉपर हम डिटेल में जाएंगे अभी एक नए पॉइंट में।